हेलो, मिश्रा क्लासेस की तरफ से सभी को नमस्कार। एक बार फिर क्वेश्चन हम लेकर के आपके सामने आए हैं और ये क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करें। आज हम ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इस पर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो पहला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पूछा जाए राइस प्लांट का लाइफ स्पेन कितना होता है, तो राइस प्लांट का लाइफ स्पेन 4 मंथ का होता है, 4 महीने का होता है। और अगर जो क्रो का पूछा जाए, कौवा का, तो 15 ईयर, 15 साल काऊ का होता है, सॉरी कौवे का होता है लाइफ स्पेन। जरूर याद रखना, बात छोटी है लेकिन पूछी जा सकती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए पोटैटो क्या है, तो पोटैटो ट्यूबर है, स्टेम है, और इस पर बड पाई जाती हैं, कलिकाएं पाई जाती हैं, और वही जर्मिनेट होकर के एक नया प्लांट बनाती हैं। जब पोटैटो की बुआई की जाती है तो पोटैटो को उन पार्टों से काटा जाता है जैसे बड न कटने पाए, इस बात का ध्यान रखा जाता है। मिट्टी में गड़ा देते हैं और बड जर्मिनेट होकर के एक नया प्लांट बनाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्याज क्या है, तो प्याज एक बल्ब है। क्या है? बल्ब है, ये बात तुम्हें ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक इसमें नीला कुरंजी में फ्लावर्स का कलर कैसा होता है, तो नीला कुरंजी में फ्लावर्स का कलर नीला होता है, ये बात जरूर याद रखना। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एस्ट्रस साइकिल किसमें चलती है, तो एस्ट्रस साइकिल जो होती है नॉन प्राइमेट में चलती है। प्राइमेट के अंतर्गत देखिए ह्यूमन, मंकी और एप्स आते हैं। ह्यूमन, मंकी और एप्स को छोड़ करके जितने भी मैमल्स होते हैं वो सब नॉन प्राइमेट के अंतर्गत आते हैं। तो नॉन प्राइमेट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर हीटिंग पीरियड आता है और तभी फीमेल के अंदर सेक्स अर्ज होता है और मेल को मैटिंग के लिए अलाउ करता है। तो ये बात जरूर याद रखना है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कोकोरबिट और कोकोनट कैसे प्लांट है, तो ये मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस का मतलब एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों पाए जाते हैं, जरूर तुम्हें याद रखना है। तो कोकोरबिट्स और कोकोनट मोनोकॉट हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया पपाया और डेट पाम किस टाइप के प्लांट हैं, तो ये डायोसियस प्लांट होते हैं। तो पपाया और डेट पाम प्लांट मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, ये बातें तुम्हें जरूर याद रखना है। अगली चीज़, क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर, जिन सेल्स में मियोसिस होता है उन्हें क्या कहते हैं, मियोसाइट सेल्स कहते हैं या गैमीट मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमीट मदर सेल कहते हैं। नेक्स्ट, अगर क्लेम पूछ लिया गया बताइए आइसोगैमेट किसमें बनते हैं, तो क्लेमाइडोमोनास में आइसोगैमेट बनते हैं। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन पूछा जाए हेट्रोगैमेट किसमें बनते हैं, तो आपका आंसर है फ्यूकस। और फ्यूकस क्या होता है? एक एल्गी है। हेट्रोगैमेट तुम्हें याद रखना है, मेल गैमेट छोटा होता है, फीमेल गैमेट बड़ा होता है। और अगर ह्यूमन के अंदर, अगर जो एनिमल्स में बात की जाए हेट्रोगैमेट किसमें है, तो ह्यूमन में हो पाए जाते हैं। ह्यूमन में मेल गैमेट छोटा, मोटाइल, फीमेल गैमेट बड़ा और नॉन मोटाइल होता है, ये बातें जरूर याद रखना है। देखिए आर्थवार्म की अगर बात करते हैं तो ये मोनोसियस होता है, मतलब बाईसेक्सुअल होता है, लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। उसका भी रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि टेस्टिस पहले मैच्योर हो जाती है आर्थवार में और ओवरी बाद में मैच्योर होती हैं,
इस कंडीशन को क्या कहते हैं, प्रोटेंडस कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटेंडस कंडीशन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्लाइटिलम किस में पाया जाता है, तो क्लाइटिलम आर्थवर्म में पाया जाता है, और क्लाइटिलम ग्लैंड आर्थवर्म के 14, 15, 16 सेगमेंट में पाई जाती हैं, जरूर तुमको याद रखना है। उसके बाद अगर तुमसे पूछ लिया गया बताइए स्वीट पोटैटो क्या है, तो स्वीट पोटैटो एक रूट है। क्या है, रूट है, जिसे अपन क्या कहते हैं, सकला कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया हाउस फ्लाई में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने होते हैं, तो 2n = 12 होते हैं, और n बराबर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अगर मेज में पूछा जाए तो 2n = 20 और n बराबर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर ब्रायोफाइट और टेडोफाइट में मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए वाटर इसेंशियल होता है, अगर वाटर नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके बाद में देखा जाए तो ये वाटर पर डिपेंड रहेंगे। अगर जो मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, फीमेल गैमेट मतलब एक का फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, तब उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे फ्रॉग के बारे में देखा जाए या फिशेस, कुछ फिशेस में भी देखा जाए तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अगर ओवा का फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है तब उसे क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये बातें जरूर याद रखना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे अपन लोगों में कैसा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में होता है। ये बातें जरूर तुम्हें याद रखना है। दूसरी बात, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनकी बार बार तुम्हें रिवीजन करना है। और सबसे बड़ी बात तुमको और बता दें, मिसा क्लासेस के द्वारा टेस्ट सीरीज फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी की 1 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, और ये टेस्ट सीरीज टोटल फ्री है। रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी के पहले आपको कराना होगा। जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है, देखिए वीडियो में मोबाइल नंबर मेरा दिया है, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ये चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे, फुल लेंथ भी टेस्ट होंगे, और मोर देन 200 टेस्ट कराए जाएंगे। ओके।